हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतोस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूजी आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा चटपटा है और बहुत ही बेसिक सामानों से ये बन करके भी तैयार हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू जो है हल्का सा गर्म ही रहे तभी अच्छे से इसे मैश कर लेना है। नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और ये देखिए हमारा आलू भी अच्छे से मैश हो गया है। तो आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए चलिए एक चटपटा सा पहले मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कलवट्टे ले लिए है और इसमें 1/2 इंच का अदरक डाल दिया है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची है, तो तीखा स्वाद के अनुसार आप रख सकते हैं। नाश्ता थोड़ा चटपटा रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड आप डाल देंगे इसमें लहसुन। तो यहाँ पर ये देखिए 4 से 5 जो है लहसुन को भी छील करके हमने इसमें डाल दिया है। आप इसमें डाल देंगे मुट्ठी भर हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच, ये देखिए हम सौंफ ले रहे हैं। और आपको अगर सौंफ का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे हमें दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहे तो इस काम को मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा ही इसे कूटना है जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारा जो है मसाला तैयार हो गया है। तो जिस बाउल में हमने हरी धनिया रखा हुआ था उसी बाउल में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है तैयार है, तो चलते हैं गैस की फ्लेम की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्लेम पर चढ़ा दिया है पैन को और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इसमें डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसको फ्लेम को एकदम अभी लो पे कर दिया है, क्योंकि बहुत तेज आँच पे करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट जल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच इसमें राई के दाने डाल दिए हैं। अब अच्छे तरीके से इसे राई को चटका लेना है और जीरा को अच्छे तरीके से भून लेना है, जिससे कि जो राई है ना जब अच्छे से चटक जाते हैं तो नाश्ते में अच्छा फ्लेवर देता है। और अच्छे से ये चटके नहीं होते हैं तो फिर ये कड़वा कड़वा सा लगता है। तो यहाँ पर इस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं जीरा और राई अच्छे तरीके से भून गए हैं, कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो हमने जो ग्रीन मसाला बनाया हुआ है इसको हम डाल देंगे और अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट है इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे कि जो है इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और सौंफ जो हमने डाला उसका भी नाश्ते में अच्छे से फ्लेवर आए। और अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है और धीमी आंच पे ही सभी चीज़ों को भूनना है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्दी को भी अच्छे तरीके से मसालों के साथ में मिक्स कर लेते हैं और जो आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं सारे आलू को हम मसालों के साथ में मिला देंगे। तो मसाले के साथ में आलू को भी अच्छे तरीके से मैश करते हुए इसे भून लेंगे और इसमें थोड़े से बड़े चंक्स भी होंगे, वो भी अच्छे तरीके से देखिए मैश हो जाएगा। जितना अच्छे से आलू का मसाला बनकर तैयार होगा उतना ज्यादा चटपटा सा ये नाश्ता बनकर के तैयार होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच ही इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। तो यहाँ पर नमक को आपको ध्यान रखना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और अगर चाट मसाला ना हो तो आप इसमें अमचूर का पाउडर या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। आप फ्रेंड थोड़ी सी इसमें हरी धनिया मेरी रखी हुई थी स्टीनर में तो मैंने जो है इसमें मिला दिया है और आलू का मसाला ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड आलू का मसाला अभी काफ़ी गर्म है तो मैंने इसे एक थाली में ट्रांसफर कर लिया है और इसे अच्छे से ये देखिए फैला देंगे और फैलाते हुए इसको हम थोड़ी देर के लिए बस ऐसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा आलू मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम फिर से फ्लेम की तरफ आ गए फ्रेंड्स, जहाँ पर पैन चढ़ा दिया है और पैन में हमने डाल दिया है 2 कटोरी पानी। तो 2 कटोरी पानी डाल दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो आप जो भी ऑयल खाते हो आप इसमें मिला सकते हो। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि इसके अंदर हम सूजी को मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो है सूजी के हिसाब से ही हमने नमक इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड यहाँ पर नमक को अच्छे तरीके से ये देखिए मिला देंगे ताकि अच्छे से नमक जो मेल्ट हो जाए और यहाँ पर पानी में अच्छा उबाल आ गया है। तो इसमें हम 1 कटोरी सूजी को ऐड करेंगे। तो सूजी यहाँ मोटी महीन आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पानी में इसको सूजी को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पर आपको लो कर देना है और धीमी आंच पे ही इसे जो है हमें पकाना है, जिससे कि सूजी बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। और हाई फ्लेम में करेंगे तो सूजी बहुत जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी अच्छे से पक नहीं पाएगी। तो बस इसी तरीके से धीमी आंच में ये देखिए इसको चलाते रहेंगे, जैसे जैसे इसको हम पकाएंगे वैसे वैसे ये ड्राई हो जाएगा।
और ड्राई होते होते देखिए सूजी कितनी अच्छे तरीके से पक रहा है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये आटे के फॉर्म में ना आ जाए, जैसे आटे का डो बनाते हैं ना हम लोग, इसी तरीके से इसको जो है डो तैयार हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए सूजी का डो तैयार हो गया है, तो मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी हल्का गर्म है और हमने हाथों में ये देखिए तेल अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर आप सरसों का तेल या फिर कुकिंग ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। आप सूजी को अच्छे तरीके से ये देखिए इसको अच्छे से मैश करते हुए इसे थोड़ा सा चिकना कर लेना है। जितना अच्छे से चिकना हो जाएगा उतना अच्छे से ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी बहुत अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया से चिकना हो गया, देख सकते हैं प्लेट में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। तो हमारा डो एकदम परफेक्ट जो है तैयार है। तो चलिए चलते हैं नाश्ता बना लेते हैं फिर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो है थोड़ा सा सूजी का ये देखिए डो ले लिया है और इसे हाथों से ये देखिए इस तरीके से इसे बॉल की तरह बना लेंगे और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से इसकी ये देखिए इस तरीके से टिक्की बनाएंगे और इसे बेलेंगे। बिल्कुल रोटी के जैसा ही बेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं बेलना है न बहुत ज़्यादा इसे मोटा, इसकी थिकनेस को एकदम बराबर रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है इसे रोटी की जैसा बेल लिया है, बहुत ही आराम से ये बेल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप यहाँ पर एक कटोरी ले लीजिए या फिर आप एक इस तरीके से गिलास ले लीजिए और इसकी जो है छोटी छोटी ये देखिए पूड़ियाँ निकाल लीजिए और आप चाहे तो साइज इसका बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं गिलास से ही छोटी छोटी पूड़ियाँ जो है निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इसी तरीके से हमें बना करके तैयार करना है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा बन करके एकदम चिकना तैयार हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने मसाला आलू बनाया हुआ है इसका छोटे छोटे से इस तरीके से बॉल बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक पूड़ी को लेंगे और इसके अंदर ये देखिए आलू की स्टफिंग रखेंगे। अब दूसरी वाली पूड़ी ऊपर से ये देखिए इस तरीके से इसको चिपकाते हुए अच्छे तरीके से इसको हम कवर कर देंगे और ये अच्छे तरीके से चिपक जाता है, बिल्कुल इसमें पानी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ से अच्छे से इसे जो है पैक कर देना है ताकि जब इसको फ्राई करें तो इसमें से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से स्क्रीन पर, अच्छे से इसे चारों तरफ से बढ़िया से इसको जो है पैक कर लीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी इसमें डिजाइन डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बस घुमाते हुए इसको धीरे धीरे करके अंदर की साइड में ये देखिए इसको पलट देना है किनारी को और आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर से डिजाइन बन जाएगा, हमारे नाश्ते का बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से नाश्ते को तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ और इसी तरीके से हम जो है सारे नाश्ते को फिर बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए फिर से मैंने दबा दिया है और फिर से इसी तरीके से किनारी से इसको दबाते हुए जो है पूरे में घुमाते हुए ये देखिए इसको एक डिजाइन डाल देंगे और ये देखने में भी सुंदर लगता है और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए हमने एक और तैयार कर लिया है। तो बस सारे ही इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, 2 चम्मच ही इसमें मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे मैदा चाहे कॉर्नफ्लोर दोनों में से एक चीज भी ले सकते हैं। तो मेरे पास मैदा कम था तो मैंने यहाँ पर दोनों को मिक्स करके ले लिया है। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें नमक। तो नमक यहाँ पर हमें समझ कर ही डालना है क्योंकि हमने आलू में भी डाला है और सूजी के हिसाब से भी हमने नमक डाला हुआ है। तो बस 2 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जो है कलौंजी का सीड और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच इसमें कूटी वाली लाल मिर्ची चिली फ्लेक्स और साथ में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल। तो आपको जो भी चीज़ें इसमें पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें हमें कुछ और नहीं डालना है। तो यहाँ पर जो इसकी स्लरी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बनाना है, बस इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे। अब हमारा घोल बन करके तैयार है और इधर गैस की फ्लेम पर ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए नाश्ते को एक डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे डिप कर लेंगे और चाहे तो आप स्पून से भी डाल सकते हो या फिर आप इसे हाथों से ही डाल दीजिए, मुझे हाथ से ही ज़्यादा सहूलियत होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर हाथ से ही इसे एक एक करके डाल दूंगी। तो कढ़ाई में जितनी भी जगह हो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई में देखिए केवल 4 पीस ही आया था तो मैंने इसमें डाल दिया है एक एक करके।
ये नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे किसी भी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक साइड से जब ये हो जाएगा तब हम इसके साइड को चेंज करेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गरम तेल ये देखिए इस तरीके से लेंगे और ऊपर से नाश्ते के ऊपर डाल देंगे, जिससे क्या होगा जब इसको पलटेंगे ना तो ये जो है क्रैक नहीं होगा, इसमें से जो आलू की फिलिंग भरी हुई है तो वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे एक एक करके पलट देंगे और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये कलर इसमें आने लगा है। तो मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो सूजी का नाश्ता है, थोड़ा सा ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन नाश्ता बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ से हो गया था तो मैंने यहाँ पर इसको पलट दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितना ज्यादा ये क्रिस्पी है, आगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए जब नीचे से भी एक साइड अच्छे से हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे प्लेट में जो है नाश्ते को निकाल लिया है और कितना प्यारा इसका कलर भी देखिए आया हुआ है और खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और आपने देखा एकदम बेसिक सामानों से ये बनकर के तैयार हो जाता है बिना मेहनत के और ये चटपटा सा नाश्ता आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। अगर मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो आप घर पे इसको बना सकते हैं और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो कोई बता ही नहीं पाएगा। ये सूजी से बना हुआ है चटपटा सा। इस नाश्ते की रेसिपी को अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कितना क्रिस्पी है चलिए इसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी अंदर से, कितना ज्यादा सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है और आप इसे किसी भी चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। ऐसी बहुत सारी नाश्ते की रेसिपी है जिसे आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।